हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिव्यू टैब के बारे में। ये वीडियो नंबर पार्ट 8 है एमएस वर्ड 2019 का। इससे पहले हम फाइल एडिट इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग के बारे में बता चुके हैं। यदि आपने इनके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो, इनके रिगार्डिंग वीडियो देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम रिव्यू टैब के जो साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इन सभी ऑप्शन को क्लियर करेंगे सभी ऑप्शन को क्लियर करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक पेज ओपन करना है। पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर रिव्यू टैब में आना है, और रिव्यू टैब में जब आप क्लिक कर रहे हो, एक मिनट पहले मैं इसको, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है प्रूफिंग। अभी प्रूफिंग क्या होता है? प्रूफिंग आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, यदि उसके अंदर कोई स्पेलिंग एरर है, कोई मिस्टेक है, या कोई वर्ड आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। कैसे? अभी हम पहले कुछ डॉक्यूमेंट लिख देते हैं, मैं आपको बताऊँगा। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारा एमएस वर्ड पहले से ही कुछ इसमें इंटेलिजेंस होती है, यानी आप को इंग्लिश वर्क करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। आप सोच रहे हो कि भाई मेरे से तो वर्क नहीं हो पाएगा, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, स्पेलिंग नहीं आती ठीक से, तो एमएस वर्ड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है उसमें। कैसे? पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं अभी टीचर लिखता हूँ तो टीचर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, ठीक है, लेकिन जैसे हम स्पेस दबाएंगे तो ये सही हो जाएगी, तो ये सही अपने आप हो जाएगी। यानी एमएस वर्ड जो है वो सेंस कर लेता है कि क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं वेलकम लिख रहा हूँ, ठीक है, तो गलत लिखा, जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा, अच्छा ये सही नहीं हुआ, अच्छा वेलकम पूरा ठीक से लिखा ही नहीं, वेलकम सॉरी, हाँ वेलकम लिखना है मैंने, ठीक है, और जबकि मैंने गलती कर दी। स्पेस दबाएंगे तो वेलकम अपना सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक स्पेलिंग को ये सेंस कर लेगा, हर एक स्पेलिंग को ये सही कर देगा। यदि आपकी स्पेलिंग में कुछ ज़्यादा ही एरर हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी ये गलत कर दिया मैंने टीचर को, तो ये इसको इसने नहीं सही किया, तो इस वाले टीचर को इसने अपने आप सही कर दिया था, इस वाले टीचर को इसने अपने आप सही नहीं किया। देखो, जब आपके नीचे टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आती है तो समझ लेना उसमें स्पेलिंग एरर है। स्पेलिंग एरर अगर आपने ठीक करना है तो आप या तो यहाँ पर आके इस पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद सॉरी ठीक से हुआ नहीं, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सॉरी आ नहीं रहा, ये आ गया, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे टीचर, या जो भी आप लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर टीचर सेलेक्ट कर लिया आ जाएगा, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? यदि आपके इसमें प्रोग्राम में काफ़ी जगह एरर है, मैं कर देता हूँ, जैसे कि हमने दो तीन ये जो स्पेलिंग है वो गलत कर दी है, जिसके नीचे जो है रेड लाइन भी आ गई होगी, तो अब हमारे डॉक्यूमेंट में पता नहीं कहाँ कहाँ पर स्पेलिंग एरर है जो कि हमने ठीक कर दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे अब हम? उसके लिए अब हम जाएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर में। स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्या होता है, जहाँ जहाँ आपके एरर होंगे ये अपने आप बताता जाएगा कि यहाँ पर आपका एरर है, ठीक है, जिसकी जगह ये ऑप्शन आएगा आपका। तो यदि आपको लगता है कि मुझे इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज पे क्लिक कर सकते हो, और यदि आप इग्नोर करना चाहते हो तो इसको इग्नोर पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज पे आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, सॉरी गलती से कहीं और क्लिक हो गया, आई थिंक चेंज हो गया हमसे, वो यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर हमने चेंज पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा वहाँ पर। फिर हम यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स वैसे लिखा हुआ था, ये ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कुछ प्रेफरेंस दी हुई है इसने कि इनमें से कौन सा लेना चाहते हो आप, तो इनमें से यदि आपके रिगार्डिंग है कोई अक्सर टेक्स्ट तो आप उसको ले लोगे, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे नाउन होते हैं, नाउन को ये फाइंड नहीं कर पाता, तो यहाँ पर बटन पे आएंगे, तो बटन बटन को इसने कुछ ज़्यादा ही हमने कुछ ज़्यादा ही स्पेलिंग गलत कर रखी है, ठीक है, तो उसको सेंस नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर जैसे बटन की स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पर बटन ये दिखा रहा है कि ये हो सकता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे और इस पर चेंज पे क्लिक कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर रिमेंबर की हमने गलत करी थी, ठीक है, तो रिमेंबर्स आप यहाँ पर
शायद यही है। कोई बात नहीं, जोन सी भी आपको लेनी है आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो जो आपने लेनी थी आप यहाँ पर टीचर पे आ गए। आप टीचर पे ये कह रहा कि कौन सी लेनी है आपके बारे में, टीचर ले लेते हैं तो ये चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार आप हर अपनी हर एक एरर को यानी स्पेलिंग को ठीक कर सकते हो स्पेलिंग एंड ग्रामर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रेशर। थ्रेशर किस लिए यूज़ होता है? यदि कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी वर्ड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल पाते हैं, जैसे आपने टीचर लिखना है, तो अगर आप कॉलेज के अंदर कोई टीचर को यानी लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पर टीचर लिखना ठीक नहीं रहता। तो वहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं कोई बेटर नाम दिखाऊं कि ठीक ठाक आ जाए। तो हम क्या दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर टीचर के रिगार्डिंग आपने कुछ फाइंड करना है तो आप यहाँ पर टीचर जो भी वर्ड आप फाइंड करना चाहते हो आप यहाँ पर फाइंड कर लेना। तो टीचर आपने लिख दिया तो सर्च करेंगे तो टीचर से रिगार्डिंग जितने भी रिलेटेड वर्ड होंगे वहाँ पर दिखा देगा, जैसे एडुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, प्रोफेसर। ठीक है, या आपने इसने सॉरी दिखा दी लेक्चरर दिखा दी, तो आपको लगता है कि भी मुझे यहाँ पर लेक्चरर दिखाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे, इंसर्ट पर क्लिक कर दोगे तो वहाँ पर जहाँ आपका कर्सर होगा, हमारा कर्सर इस टाइम पता नहीं कहाँ है, तो जहाँ हमारा कर्सर होगा यहीं था, सेलेक्ट था हमारा ये, तो यहाँ पर लेक्चरर आ जाएगा। या आपने प्रोफेसर करना है तो स्पेस दबाओ, सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर आपने जो भी अब यहाँ पर वो टीचर आपका चला गया, चलो ये रहा प्रोफेसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको सॉरी अच्छा प्रोफेसर को इसने फाइंड कर दिया। तो जिस चीज़ को आपने इंसर्ट करना है उस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, वो चीज़ आपकी इंसर्ट हो जाएगी। आप कॉपी भी कर सकते हो कि कॉपी करके आप कहीं और उसको पेस्ट कराना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये था आपका थ्रेशर्स। नेक्स्ट है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में ये आता है कि आपने कितने टेक्स्ट लिखे अपने पैराग्राफ में और कितने आप सॉरी सारे वर्ड को आप काउंट करना चाहते हो, जितने भी टेक्स्ट है सबको आपने काउंट करना है। तो यहाँ पर ये बता दिया इसने कि पेज जो है हमारा एक है जिसके ऊपर वर्ड आपने 242 लिखे हुए हैं और करेक्टर जो है नो स्पेस, यानी एक तो होता है स्पेस के साथ और एक होता है विदाउट स्पेस। ठीक है, विदाउट स्पेस तो आपके 1300 समथिंग है और सॉरी विदाउट स्पेस आपके हैं 1080 और आपके विद स्पेस हैं जो 1320। और पैराग्राफ इसको बता रहा है, ये पैराग्राफ जो है इसमें सिक्स बन रहे हैं। पैरा मतलब लाइनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैराग्राफ बोलते हैं उसको। और जो आपका लाइन है वो आपके यहाँ पर दिखा रहा है ये 21, यानी ये आपके यहाँ पर डिटेल दिखा देता है कि आपने पैराग्राफ में क्या क्या लिख रखा है, कितनी लाइन लिख रखी हैं, कितने उसके अंदर आपके करेक्टर हैं, कितने स्पेस के साथ है, कितने विदाउट स्पेस है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीच। ठीक है, स्पीच में मतलब रीड का ऑप्शन दिया गया है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एमएस वर्ड के लेटेस्ट वर्जन में आता है, ओल्ड वर्जन में नहीं है। इसमें क्या होता है, यदि आपको कोई कंटेंट रीड कराना है माइक्रोसॉफ्ट से, रीड कराना है मतलब वॉइस में, तो जैसे मुझे ये वाला रीड कराना है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर रीड पे क्लिक कर दोगे आप इसको, यानी स्पीच पे आप इसको क्लिक कर दोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इसको स्पीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। Video provides a powerful way to help you prove your point. पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर मुझे तो सुनाई दे रहा है। दोबारा हम प्ले करके देखते हैं, सॉरी सिलेक्ट नहीं किया, अब की बार इसको देख ले। Point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also देखो type रीड a हो रहा है। keyword ठीक है, to स्टॉप करना search चाहते on हो आप स्टॉप कर सकते हो। अब आप सोच रहे हैं मैं यहाँ से इसको रीड कराना, तो यहाँ पर क्लिक करके प्ले पे क्लिक कर देना। For example, you can add a तो आप देख matching रहे होगे cover सिलेक्शन भी आ page, रही है header और and sidebar. वॉइस भी आ रही Click होगी। insert and then choose the elements you want from the तो यहाँ different पर हम इसको galleries. रीड कर सकते हैं और स्पीच कर सकते हैं, मतलब वॉइस में सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी किस लिए यूज़ होती है? देखो ये जब आप ये आपका यहाँ पर भी है फाइल के अंदर, और जब आपका फाइल चल रहा था तो मैंने आपको बताया भी था कि चेक एरर में यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी में आगे जाके बताऊंगा। तो यहाँ पर जब आप एक्सेसिबिलिटी चेक करते हो या यहाँ से जब आप चेक करते हो तो यहाँ पर नो इशू आ रहा है, कोई भी इशू नहीं मिल रहा आपको। तो ये आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट में आपको नहीं बता पाएगा। और ये आपका कब चलता है एक्सेसिबिलिटी, ये आपका तब वर्क करेगा जब आपने अपनी ड्राइंग के अंदर कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई शेप आपने इंसर्ट कर रखी होगी। ठीक है, तो पहले हम कोई इमेज इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो हमने जैसे कि ये वाली इमेज इंसर्ट कर दी, एक एक और कर लेते हैं और एक ही होगी।
तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी एक्सेसिबिलिटी चेक करी थी तो बिल्कुल सही आ रहा था, कोई एरर नहीं आ रहा था। लेकिन अब हम इसकी एक्सेसिबिलिटी चेक करते हैं तो क्या बताएगा, जिसके लिए हम यहाँ पर रिव्यू में आएंगे। रिव्यू में आने के बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी पे जैसे आपने क्लिक किया, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर मिसिंग टेक्स्ट आ रहा है, मतलब कुछ इसमें एरर है, जो कि बता दिए इसने कि दो एरर हैं। अभी दो एरर क्या हैं वो आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये कह रहा है स्माइलिंग फेस और रेक्टेंगल, यानी दो आपने शेप ले रखी है, इनमें एरर है। अब क्या एरर है, देखो आपने जो शेप ली है ना उनको अभी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो यहाँ पर आप अपने डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि ये जो पिक्चर लिया किसके रिकॉर्डिंग लिया आपने, और या आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देनी, तो मार्क एज डिकोरेटिव पे आप क्लिक कर दोगे, इससे एरर नहीं आएगा। तो आप दोनों का किसी का भी यूज़ कर लेना, एरर हट जाएगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, जैसे हमने स्माइलिंग फेस को मार्क एज डिकोरेटिव कर दिया, अब यहाँ पर देखो एरर जो है वो चले गए हैं। अब यहाँ पर एक एरर बच गया, अब एक एरर पे जब आप क्लिक करोगे इस पर भी आप मार्क एज डिकोरेटिव पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पर देखो अब कोई एरर नहीं है। तो ये सिंपल सा है बिल्कुल आपका एक्सेसिबिलिटी, यानी जब आप कोई ड्राइंग कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो अपने डॉक्यूमेंट में तो उसको डिस्क्रिप्शन देना, देने के लिए कहता है कि भी आपने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, क्या आप इसको डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो या आप इसको इग्नोर करना चाहते हो, तो वो इग्नोर के लिए आपको यहाँ पर बता रहा होता है, तो आपने इसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है लैंग्वेज, लैंग्वेज और ट्रांसलेट, सॉरी लैंग्वेज में सबसे पहले ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, बदलना। अब आप ने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, वो ये इंग्लिश यूएसए में लिखा हुआ है, अब ये डॉक्यूमेंट आप किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो, बदल के देखना चाहते हो कि मुझे तो अदर लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे आप। जैसे आप यहाँ पर ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आपकी विंडो खुलेगी, अभी वेट हो, यहाँ पर खुल गई है। और जब आप ट्रांसलेट करोगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी होना अनिवार्य है, इंटरनेट होगा तो ये ट्रांसलेट कर पाएगा, और यदि इंटरनेट नहीं होगा तो आपका ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसलेट ये लोड हो रहा है आपका, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसको ये ट्रांसलेट करके दिखाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट कर लेते हैं। देखो ये हमारा ओपन हो चुका है, देखो इसमें दो ऑप्शन है, यहाँ पर आप या तो टाइप भी कर सकते हो, यदि आपने टाइप नहीं करना जो हमने सेलेक्ट किया था वो अपने आप ही आ जाएगा, या आपने कोई और इसके अंदर इंसर्ट करना है तो आप उसको ऐसे सेलेक्ट करोगे तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ये देखो ये आ गई, ठीक है। और ये तो आपने डॉक्यूमेंट लेना किसी भी हिसाब से ले लेना, यहाँ पर आपको बस डॉक्यूमेंट आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये बता देगा, ये जो डिटेक्ट हो रहा है अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ टू, यानी टू का मतलब आप इसको ट्रांसलेट किस में करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपने इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे भी इस एरो पे क्लिक करोगे यहाँ पर आना है ऑल लैंग्वेज है, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आपने इसको ट्रांसलेट करना है उस लैंग्वेज पे क्लिक करके वो आप ट्रांसलेट कर सकते हो। अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ, हमारे यहाँ पर हिंदी बोली जाती है तो हम हिंदी को फाइंड कर लेते हैं, ये रहा हिंदी, तो हमने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया। जैसे आपने हिंदी को सिलेक्ट करोगे और आपने इस पे एक बार क्लिक कर देना इस वाले एरो पे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो कंटेंट ऊपर वाला ये हिंदी में आपका, सॉरी हिंदी नहीं आया, सेलेक्ट नहीं होगा हमसे, फिर दोबारा फिर देखते हैं, हिंदी पे क्लिक करना है। हिंदी पे क्लिक करने के बाद हो जाता है लेकिन ये नहीं हो रहा, ट्रांसलेट दोबारा करके देख लेते हैं, हो गया। तो आपने हिंदी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोबारा फिर वही हो रहा है, तो आपका ये इंसर्ट हो जाएगा, दोबारा फिर देखते हैं, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आपने हिंदी की और यहाँ पर ये वीडियो जो ऊपर, सॉरी यहाँ पर हिंदी दोनों जगह हिंदी आ गया, ऐसे नहीं होता, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, दोबारा देखते हैं हम इस चीज़ को कि ये क्या गड़बड़ हो रही है। अगर आपको कोई टेक्स्ट आपने कन्वर्ट करना है किसी भी लैंग्वेज में, और वो चाहे जिस भी लैंग्वेज में लिखा हो, जैसे हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप जब आप ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे इसके अंदर दो ऑप्शन है, दोनों का मतलब ट्रांसलेट करना ही है, अलग अलग कुछ नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पर जब आप ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो बॉक्स खुलते हैं, एक ऊपर वाला बॉक्स, ऊपर वाले बॉक्स में आपको जो टेक्स्ट ट्रांसलेट करना चाहते हो उसको आप लिखोगे या सेलेक्ट करोगे, और नीचे वाले टेक्स्ट में यानी यहाँ पर अपने आप ट्रांसलेट होके आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है और इसको आपने सेलेक्ट कर लिया ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे आप सेलेक्ट करोगे अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आ गया है, और नीचे हमने हिंदी को सेलेक्ट किया हुआ था, ऑटोमेटिक ही उसने ट्रांसलेट करके दिखा दिया। अब ये जो टेक्स्ट आया है
ये ऊपर वाली लैंग्वेज को इसने ट्रांसलेट कर दिया आपके द्वारा सेलेक्ट की गई लैंग्वेज में। अब ये वाला टेक्स्ट आप इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ पर कहीं पर, जैसे आपने ऊपर इंग्लिश में दिखा रखा है, नीचे आप हिंदी में दिखाना चाहते हो, तो आप इसको यहाँ पर एंटर करके, जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो आपने इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे, तो जहाँ पर आपका कर्सर होगा, तो वहाँ पर ये ट्रांसलेट की हुई लैंग्वेज में टेक्स्ट जो आपका इंसर्ट हो जाएगा, यानी ऊपर इंग्लिश का हो गया आपका, नीचे हिंदी का हो गया। तो इस प्रकार आप ट्रांसलेट कर सकते हो। नीचे वाला जो ऑप्शन दिया गया था यहाँ पर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, इसमें भी यही है, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस हल्का सा डिफरेंस क्या पड़ जाता है, उसमें बॉक्स आ जाता है, इसमें आपका बॉक्स नहीं आता, इसमें आपको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखना, इसमें भी वही ऑप्शन मांगता है कि पहले तो आप जो इस वाले डॉक्यूमेंट, अब की बार इसको देख लेते हैं, इस वाले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया इसने, ठीक है, ऑटो डिटेक्ट भी जो भी लैंग्वेज हो वो अपने आप डिटेक्ट कर ले, और यहाँ पर आपने ये सेलेक्ट कर लिया। और टू किस में करना चाहते हो आप, तो यहाँ पर आप टू हिंदी में करना चाहते हैं, हम हिंदी, ये हिंदी रही, और ट्रांसलेट पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप देखो देख पाओगे कि जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा उसने उसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में, सॉरी इसने तो सबको कर दिया, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। इसमें ये था कि जो भी आपके टेक्स्ट थे, जो भी आपके लिखे हुए थे पूरे डॉक्यूमेंट के, वो आप ट्रांसलेट कराना चाहते हो हिंदी में, तो या जिस भी लैंग्वेज में, तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब जैसे हिंदी में लिखा हुआ है सब कुछ, अब आप सोच रहे हो मैं इन सभी टेक्स्ट को, सभी वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसफ़र करूँ, यहाँ से तो जो आपको सिलेक्शन दोगे उसी को ट्रांसलेट करेगा, यहाँ पर ये पूरे डॉक्यूमेंट को कर देगा। तो दोबारा फिर देखते हैं, अब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर जो भी लैंग्वेज होगी ये उसको ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, और आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है कि आपको ट्रांसलेट किस डॉक्यूमेंट में उसको करना है। तो यहाँ पर जब आपका डॉक्यूमेंट, ये है ना आपका ऑनलाइन चलता है, ये आपके नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर किस टाइप की प्रोसेसिंग हो रही है, तो उतना ही टाइम लगता है। तो यहाँ पर अब हम ऑटो डिटेक्ट इंग्लिश ऑलरेडी सेलेक्ट है और ट्रांसलेट कर देते हैं, अब देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका जो हिंदी में है वो सारा इंग्लिश में हो जाएगा, हो गया, ठीक है, ये था आपका ट्रांसलेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कमेंट हमारा। यदि आपको किसी डॉक्यूमेंट को कमेंट देने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे किसी वर्ड को, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना, यहाँ पर कोई भी कमेंट आप दे दोगे। वैसे कमेंट मैंने पीछे बताया है कहीं, ये कमेंट दे दिया आपने यहाँ पर, इसको सेलेक्ट किया, इसको कमेंट दे दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको कमेंट दे दिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से किसी को कमेंट देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। उसके बाद है आपका, यदि आप इस कमेंट को किसी को डिलीट करना चाहते हो, जैसे इसको डिलीट करना चाहते हो, तो कमेंट पे जाएंगे, कमेंट को सिलेक्ट करना और डिलीट पे क्लिक कर देना, तो ये डिलीट हो जाएगा, आपका कमेंट डिलीट हो गया। यदि आप ये देखना, अभी तो तीनों चारों आपके सामने ही है, यदि आप ये देखना चाहते हो आगे कहाँ कमेंट, अगले पे चला जाएगा या प्रीवियस पे चला जाएगा, ठीक है। अगर आप कमेंट को शो कराना चाहते हो तो शो पे क्लिक करना, अगर आप हाइड कराना चाहते हो तो ऐसे क्लिक कर देना, तो वो हाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सिंबल आपको जरूर दिखाई देगा जो कि बताएगा कि इसको कमेंट दिया गया है, वापस के क्लिक करो, शो हो जाएगा। तो ये था आपका कमेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रैकिंग की साइड। ट्रैकिंग जो है, एक कमेंट या आपके जो मार्क्स जो होते हैं यहाँ पर ट्रैक चेंज होते हैं, उनके रिकॉर्डिंग, यानी उनको हाइड एंड शो करने के लिए होता है। इतना मुश्किल तो है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान से देख लेना क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम कमेंट यहाँ से शो करा देते हैं। अब ट्रैक चेंज का पता होना चाहिए, ट्रैक चेंज होता क्या, ट्रैक चेंज वो होता है जब आप ट्रैक चेंज ऑन कर लेते हो। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया, और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कोई इसमें कोई छेड़खानी करे तो मुझे पता लग जाए कि किसने क्या डिलीट किया और क्या इंसर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ट्रैक चेंज को ऑन कर देना है, मतलब बस आपने बस इस पर क्लिक कर देना है, तो ये ट्रैक चेंज ऑन हो गया, थोड़ा डार्क हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी ने डॉक्यूमेंट जो है काट दिया, यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट जो है काट दिया, तो यहाँ पर कुछ कट गया है, तो यहाँ पर रेड लाइन आ जाएगी, या यहाँ पर किसी ने कुछ लिख दिया, बेस्ट यहाँ पर कंप्यूटर लिख देता हूँ, कंप्यूटर, तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिखा, तो यहाँ पर भी एक रेड लाइन आ रही है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई वर्क हुआ है, यानी तो कोई ना कोई छेड़खानी की गई है, जैसे इसको काट दिया हमने, तो कहाँ कहाँ क्या वर्क हो रहा है, कहाँ पर क्या मिस्टेक की गई है, ये सारा बता देगा आपको कि यहाँ पर कुछ ना कुछ छेड़खानी की गई है, देखो वहाँ पर वो चीज़ आ रही है। अब आपने जो ये वर्किंग थी यहाँ पर ट्रैक चेंज की या कमेंट की, ऐसे आप दिखाई देख रहे हो, यहाँ पर कुछ चेंजिंग आ जाते हैं। देखो ऑल मार्क पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बताएगा
कि जो डॉक्यूमेंट जो देखो यहाँ पर आपको रेड कलर में क्रॉस नज़र आ रहा है, तो ये बताएगा कि डॉक्यूमेंट यहाँ से काटा गया है और यहाँ पर कंप्यूटर रेड कलर में लिखा हुआ, ये बताएगा ये कंप्यूटर यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा गया है, यहाँ पर ये काटा गया है, यहाँ पर ये काटा गया है। दूसरा यहाँ पर कमेंट भी बता रहा साथ के साथ, पहले देखो ऐसे था, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ऐसा था ठीक है सिंपल। तो अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो आल मार्क हैं या कमेंट हैं वो इस प्रकार से आपके शो होने लग जाएंगे। यदि आप इसको नो मार्क, भाई मुझे कोई चेंजिंग नहीं देखनी है, मुझे कुछ नहीं देखना है, तो आप नो मार्क पे क्लिक कर देना तो आपकी ये नो नॉर्मल की तरह दिखाई देगी फाइल, जैसे नॉर्मल थी। मतलब जो भी चेंज कर दिए हैं आपने वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ से कुछ काट दिया था, ये कंप्यूटर एक्स्ट्रा लिखा था, तो ये ऐसा लग रहा होगा नॉर्मल है, ये नॉर्मल फाइल नहीं है। ये नॉर्मल आपकी फाइल जैसे आप देखना चाहते हो, मेरी ओरिजिनल फाइल कैसी थी, तो ओरिजिनल फाइल पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजिंग मिल रहे होंगे। ये आपकी ओरिजिनल फाइल है और ये आपकी आफ्टर मार्क यानी आफ्टर चेंजिंग फाइल है, चेंज करने के बाद ये फाइल है। अब आप यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगता है, मुझे इसमें देखना है डॉक्यूमेंट, इसमें देखना है डॉक्यूमेंट, या किस में दिखाना है या देखना है, तो आप यहाँ से उसको चूज कर लोगे। और भी बहुत है इसमें, फॉर्मेटिंग का भी होता है, यदि आपने यहाँ पर किसी पे इस पर फॉर्मेटिंग लगा दी ठीक है, तो ये बताएगा कि इसको आपने फॉर्मेट कर रखा, देखो बता रहा है कि फॉन्ट साइज आपने फॉर्मेट कर दिया। नेक्स्ट है शो मार्कअप। शो मार्कअप में क्या आता है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने किसको हाइड करना है, किसको शो कराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉरी कमेंट है, कमेंट पे आप क्लिक करोगे तो कमेंट जो है वो हाइड हो जाएंगे, सिर्फ कमेंट कमेंट हाइड हुए हैं, जो मार्क था आपका ट्रैक चेंज का वो अभी भी है, ट्रैक चेंज देखो अभी भी है। फिर आप यहाँ पर इंसर्टेड एंड डिलीटेशन, मतलब जो इंसर्ट किया हुआ डिलीट किया हुआ वो डॉक्यूमेंट आप हाइड कराना चाहते हो, तो ऐसे क्लिक कर दो, वो देखो वो डिलीट किया हुआ और इंसर्ट किया हुआ जो है वो ट्रैक चेंज जो है हाइड हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेटिंग, भाई जो भी फॉर्मेटिंग हो रखी है वो सारी हट जाए, मतलब फॉर्मेटिंग तो हटेगी नहीं, लेकिन जो उसका एरर यहाँ पर दिखा रहा है ना वो हट जाएगा यहाँ पर देखो, यानी यहाँ पर जो भी आपके एरर शो हो रहे थे, जैसे कि अभी कमेंट शो हो रहे हैं, अब आपका यहाँ पर इंसर्ट एंड डिलीटेशन दिखा रहा है, यहाँ पर इंसर्ट किया गया डिलीट किया गया है, और यहाँ पर अब आपका फॉर्मेट का भी बैलून आ जाएगा एक अलग से। और यहाँ पर यदि बैलून आपने देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे शो बैलून पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार आपके जो डिलीट और इंसर्ट किया गया है, देखो यहाँ पर डिलीटेशन दिखा रहा है और ये यहाँ पर ये बैलून डिलीट का दिखा रहा है। अगर आप इंसर्ट का भी देखना चाहते हो तो आप इसकी बस पोजीशन यहाँ पर आप चेंज कर दोगे ऐसे, ये तो आपके बैलून वो हो गए, और यहाँ पर आप शो कमेंट ओनली तो ये कमेंट पे दिखाएगा आपका ठीक है, ये फॉर्मेटेड का दिखा देगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपने कैसे देखना कैसे नहीं देखना, सिंपल सा है। आपने जो भी ट्रैक चेंज में चेंजिंग कर रखे है, या जो भी कमेंट लगा रखे हैं, या जो भी फॉर्मेटिंग दे रखी है, उसके एरर को यहाँ पर बैलून में या साइड विंडो में आपको कैसे देखना है, उसके रिगार्डिंग इसको यहाँ पर इस आप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। आपने नॉर्मल देखना है, ये नॉर्मल फाइल आपकी, आपने कोई भी एरर नहीं देखना, लेकिन फाइल आफ्टर चेंजिंग देखनी है तो वो ये रही आपकी ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करा सकते हो या चेक कर सकते हो उसको। नेक्स्ट है चेंज, चेंज में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, मतलब जो भी आपने चेंज किया है, चाहे कमेंट दिया हो, ट्रैक चेंज दिया हो, या कुछ काटा हो, या कुछ डिलीट किया हो, तो उस चेंज को आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी तरह से। अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट डिलीट किया गया है, कुछ डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया गया, यदि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, भाई ये डिलीट हो जाए और ये इंसर्ट हो जाए, तो आप एक्सेप्ट करोगे ठीक है। और यदि आप चाहते हो नहीं, मुझे इसमें कोई भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल था वो रह जाए, तो आप इस सभी को रिजेक्ट करोगे। देखो आप यहाँ पर एक्सेप्ट पे जैसे वन बाय क्लिक करो तो एक्सेप्ट के बाद अपने आप वो आगे चला जाएगा और बताता रहेगा कि भाई ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई है, ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई है, ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई है ठीक है, ये चीज़ एक्सेप्ट हो रही है, ये देखो मैंने एक्सेप्ट कर दिए सारे। अगर आप, मैं अंडू कर रहा हूँ वापस से, अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हो, भाई मुझे तो रिजेक्ट करना है ठीक है, जो भी ऑप्शन यूज़ किए गए हैं वो सारे रिजेक्ट हो जाएं, तो आप यहाँ पर रिजेक्ट पे क्लिक करते जाओगे, बस आपने क्लिक करते जाना है, तो आपके जो भी एक्स्ट्रा कमेंट दिए गए हैं या कोई भी एक्स्ट्रा वर्क किया गया है वो सारा रिजेक्ट हो जाएगा, यानी अब आपकी एक तरह से ओरिजिनल फाइल यहाँ पर शो होने लग जाएगी। प्रीवियस और नेक्स्ट में क्या होता है, जो भी आपने चेंज यदि फाइंड करने आगे पीछे है कहाँ पर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर आगे पीछे जाके इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है कंपेयर डॉक्यूमेंट, यानी आप डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हो कि आपने कोई दो दो डॉक्यूमेंट दिए हैं किसी को बनाने के लिए, और आपने कहा कि दोनों का जो फाइल है वर्क है आप लोगों का अलग अलग होना चाहिए, तो अगर आप उन दोनों फाइलों को कंपेयर करके देखना चाहते हो कि मैं दोनों फाइलों को कंपेयर करूं, तो कैसे कंपेयर करते हैं वो देखेंगे अभी।
तो पहले तो कोई डॉक्यूमेंट लिख लेना, जैसे कि हमने ये लिख दिया है और यहाँ पर टीचर लिखा हुआ, वेलकम लिखा हुआ, ठीक है। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं किसी नाम से। तो हमने इसको सेव कर दिया है, दिस कंप्यूटर डॉक्यूमेंट DOC 1 के नाम से, ठीक है। और एक न्यू पेज और ले लेते हैं, नया डॉक्यूमेंट और बना लेते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पर इतना वर्क काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ और एक्स्ट्रा लिख देते हैं, वेलकम टू तो आपने ये लिख दिया, और इसको सेव कर दो। ये भी डॉक्यूमेंट 2 के नाम से सेव कर देते हैं इसको, DOC 2। ओके, अब आप एक खाली पेज लो। अब ये जो दो फाइल थी इनको आप कंपेयर करा के देखना चाहते हो, कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो दो फाइल मैंने किसी को दी थी बनाने के लिए, या उन दो फाइलों को जो आपने कंपेयर करना है, तो यहाँ पर आप इस खाली पेज पर आप उनको कंपेयर करके देख सकते हो। रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाने के बाद आपने कंपेयर पे जाना है। यहाँ पर कंपेयर और कंबाइन समथिंग एक ही जैसा होता है, लेकिन कंपेयर पे क्लिक करते हैं। कंपेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी ओरिजिनल फाइल, यानी कोई भी आप ओरिजिनल मान सकते हो, मतलब डॉक्यूमेंट 1 आपकी ओरिजिनल है और दूसरी फाइल डॉक्यूमेंट 2 थी, ठीक है। और ओके कर दोगे। जैसे आप ओके करोगे, तो ओके करने के बाद यहाँ पर आपका ये ऊपर वाली डॉक्यूमेंट 1 है और नीचे वाली यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, तो हमारा यहाँ पर देखो कुछ वर्क जो है रेड आ रहा है, मतलब ये वाला वर्क जो है, सॉरी, अब आई पूरी फाइल, अब आई है। यहाँ पर जो ये रेड कलर में या क्रॉसिंग में जो टेक्स्ट आया हुआ है आपका, वो क्या है, और जो यहाँ पर जो ब्लैक कलर में आया वो क्या है। तो देखो, जो आपका रेड कलर में आया हुआ है टेक्स्ट, ये तो वो टेक्स्ट है जो दोनों फाइलों में डिफरेंस है, और जो ब्लैक कलर में टेक्स्ट आया हुआ है वो ये वर्क है जो दोनों फाइलों में कॉमन है। अब इसका हम कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वेलकम वेलकम ब्लैक है, ये दोनों फाइलों में लिखा था हमने, देखो वेलकम डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और ऊपर वाली में भी देख जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया था टीचर और वेलकम, ऐसे लेक्चरर कुछ लिखा हुआ था। टेक्स्ट जहाँ मर्जी हो, आगे पीछे हो, उसको ये अपने आप फाइंड कर देगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पहले लाइन में था, दूसरे लाइन में था, तीसरे लाइन में था, वो टेक्स्ट जहाँ मर्जी होगा ये अपने आप ट्रेस कर लेगा उस चीज़ को, और बता देगा कि जैसे यू कैन ये दोनों फाइलों के अंदर यूज़ किया गया है, दा जो दोनों फाइलों के यूज़ किया, यानी ये वाला वर्क जो है दोनों फाइलों के अंदर अवेलेबल है जो ब्लैक कलर में आया है। तो ये है आपका यहाँ पर कंपेयर डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर आप कंबाइन में, सॉरी, यहाँ पर आप सो पे क्लिक करोगे, यदि आप हाइड सोर्स पे क्लिक करोगे तो ये सोर्स जो है आपके हाइड हो जाएंगे। और यहाँ पर वापस से क्लिक करो सो ओरिजिनल, तो ओरिजिनल फाइल जो है वो शो होने लग जाएगी आपको। यानी यहाँ पर देखो ये ओरिजिनल, यानी डॉक्यूमेंट 1 को आपने ओरिजिनल माना था। और यहाँ पर अगर आप सो बोथ पे क्लिक करोगे, तो यानी दोनों फाइलें आपको शो होगी। इसको काट देते हैं हम, यहाँ पर आपको दोनों फाइलें शो होगी, ठीक है। अब आपको देखना कि कैसे करना है। यदि आप कंबाइन देखना चाहते हो, तो कंबाइन भी ऐसा ही है, कंबाइन में कुछ स्पेशल नहीं है। एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। तो कंबाइन में अगर आप आओगे, कंबाइन पे क्लिक किया आपने, वही डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 जो पहले था, प्रोसीजर वही है, सेम टू सेम। ओके, और यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो जैसे उसमें था, उसमें आपका यहाँ पर जो था अलग अलग विंडोज हो रही थी, इसमें क्या होगा, जो भी आपका वर्क होएगा ये बता देगा ये फॉर्मेटेड का है, ये डिलीट का है, या ऐसा कुछ अलग टाइप में आपको दिखाएगा। लेकिन इसमें वही चीज़ दिखा रहा है कि वेलकम जो है, ठीक है, वेलकम दोनों फाइलों के बीच में है, और यहाँ पर ये वाला वर्क दोनों फाइलों के बीच में है, वो रेड कलर का जो वर्क है दोनों में अलग है। तो ये है आपका कंबाइन एंड कंपेयर। नेक्स्ट आते हैं हम अपने प्रोटेक्ट के साइड, अपने डॉक्यूमेंट को यदि आपने प्रोटेक्ट करना है, तो कोई डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं हम। तो ये वाला डॉक्यूमेंट है, हम चाहते हैं कि इसमें कोई वर्क ना कर पाए, हम इसको फॉर्मेटिंग जो भी एडिटिंग है उसमें आप इसको लॉक लगाना चाहते हो, लिखा है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो आपने इस पर क्लिक करना है, आपने इन पे क्लिक कर देना है,
दोनों ऑप्शन पे। और यदि आप एवरी वन पे आप चाहते हो कि कोई ना कर पाए, तो ऐसे आप क्लिक कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। और आपने यदि इनको ओपन क्लिक करना करो, अदरवाइज यहाँ पर यस पे आप क्लिक कर देना। तो यस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड यहाँ पर आप कुछ भी डाल देना, 1 2 3 4, और नीचे रिपीट करना है 1 2 3 4, और ओके, ठीक है। ये करने के बाद अगर आप यहाँ पर कोई वर्क करोगे तो वो आपका वर्क नहीं हो पाएगा। ये देखो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ना कुछ कट हो पाएगा ना कुछ डिलीट हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके होम ऑप्शन भी नहीं चल पा रहे होंगे, यानी आपकी एडिटिंग जो है वो बंद हो चुकी है, सिर्फ हाँ कॉपी चल सकता है आपका यहाँ पर। तो अगर आपको इसमें खुद को कुछ चेंज करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर स्टॉप प्रोडक्शन में आएंगे, यहाँ पर वो पासवर्ड डाल देंगे और ओके करेंगे, और इसके बाद आप जो मर्जी वर्क करो। तो ये थी आपकी प्रोटेक्शन, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। इससे पहले मैंने प्रोटेक्शन फाइल मेन्यू में भी बताया हुआ आपको, जिसमें आपको पूरी तरह से आप अपने फाइल को सिक्योर कर सकते हो, फॉर्मेटिंग से, एक्सेप से, कॉपी से, इन सब चीज़ों से, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये इंक ऑप्शन होता है, ये इंक ऑप्शन आपका तब चलेगा जब आपका यहाँ पर जब आपने ये देखो देखो पेन ऑप्शन जब आपने यूज़ किया होता है। देखो ये पेन ऑप्शन आपके टच स्क्रीन कंप्यूटर में चलता है, आपके नॉर्मल जो आपका माउस वाला कंप्यूटर है तो उसमें ये आपका वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर पेन यूज़ कर रखा है या उसकी इंक यूज़ कर रखी है, तो उसको आपने यहाँ पर हाइड एंड शो करा सकते हो यहाँ पर इससे, बाकी और कुछ नहीं। या डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया है रिव्यू टाइप के बारे में, प्रूफिंग, स्पीच, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग और चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और आशा करते हैं कि जो आज हमने आपको समझाया वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।